सांताली में पुरस्कृत रूपचांद हंसदा। रूपचंद हंसदा प्रख्यात संताली लेखक तथा अनुवादक है। आपका जन्म 22 फरवरी 1962 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कैरा गांव में हुआ। आपने सेवा भारती महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधियां प्राप्त की। आपको संताली के अलावा बंगला, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का भी ज्ञान है। संप्रति आप दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर में भंडार लेखा विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। आपने 16 वर्ष की आयु से लेखन कार्य आरंभ किया तथा आपकी अनुदित तथा संपादित कृतियों सहित 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जबराली कविता संग्रह, मित जोर कोलोम अनुवाद कृति, हिहिर पिपरी, जियोन हेलेक तथा संथाली ओनोल माला सभी संपादित कर आपके लेख विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप, पंडित रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों तथा सम्मानों से अलंकृत किया गया है। गुरुदत्त कासादत्त जीवन और प्रेम, स्वप्न तथा आशा, जीवन के दर्द और पीड़ा, लाचारी तथा मनुष्य के अकेलेपन से लेकर विभिन्न विषयों से समृद्ध का कविता संग्रह है। कविताएं मानव स्वभाव तथा समाज में विनाशकारी बदलावों से निपटने के अलावा समकालीन सामाजिक जटिलताओं को लेकर कवि की चिंता को भी दर्शाती है। प्रकृति और पर्यावरण के साथ मनुष्य का संबंध, प्रकृति की सुंदरता तथा ईश्वर के प्रति सम्मान और समाज के महान योद्धाओं को भी इस कृति में दर्शाया गया है। कवि की भाषा स्पष्ट, सुलभ तथा बोधगम्य है तथा कविताओं की शैली और प्रभाव बहुत आकर्षक है। गुरुदत्त कासादत्त कृति संताली में लिखित भारतीय कविता को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है।